फिर दोबारा उसी में बैठिएगा, आपको मन ही नहीं लगेगा अरे फिर वही पढ़ना। अब हम ये पढ़ाई के लिए बोले हैं तो हमको पक्का बताइए क्या सोचा है सब यहाँ पे, पक्का बताइए। आधा तो इसी में बर्बाद है सब यहाँ पे। आज का युवा जाग चुका है, अब ब्रश करेगा 1.5 GB डाटा खत्म। ग्रुप में देखिएगा ना, कोई एकदम सीधा साधा होता है एकदम, उसके सामने किसी का फोन आ जाएगा लाल पिलारा ना, तो कहते जो भी पूरी जिंदगी पूरा खानदान आपका कैसा रहेगा और कैसा नहीं रहेगा। और इसी में स्टार्टिंग में ही थोड़ा बहुत अगर आप भटक गए तो फिर कभी सक्सेस नहीं होंगे, फिर अपने आप को कोसने से कोई फायदा नहीं है। रीजन समझिए, आप नहीं पढ़े हैं ये ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन पढ़ के भूल गए हैं ये ज्यादा खराब हो जाता है। तो जब आप जैसे कोई नया स्टूडेंट आएगा उसके अंदर एक एंथुजियाज्म रहेगा, मोटिवेशन रहेगा कि हमें पढ़ना है, लेकिन अगर आप पढ़ लिए सिलेबस खत्म हो गया है, थोड़ी सी लापरवाही कर दिए, फिर दोबारा उसी में बैठिएगा आपको मन ही नहीं लगेगा अरे फिर वही पढ़ना। ये याद रखिएगा, आप भले एक साल लेट से तैयारी करो लेकिन एक साल लापरवाही मत करो। अपने आप से आज पूछ लो, अगर मन भटक रहा है इधर उधर तो हम कहते हैं कि एक साल तुम देर से ही चालू करो लेकिन बीच से मत लौटो, क्योंकि आधे रास्ते से लौटने से बेहतर है कि उसी रास्ते पे आगे चल दो, क्योंकि उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। लौट के आओगे तो खाली हाथ रहोगे, चल जाओगे तो मंजिल मिलेगी। यहां पर इस सब लापरवाही से नहीं रखना, बड़े मुश्किल से मां बाप पैसे भेजते हैं यहां पर। दूसरा कि जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो यंग एज में माइंड बड़ा डायनेमिक होता है, ये करना है वो करना है, और बहुत सारे बच्चे मेंटल डिलेमा से गुजर रहे होते हैं। देश के 15% यंग एजर्स सिजोफ्रेनिया से ग्रस्त हैं। सिजोफ्रेनिया होता है ना कि आपस में खुद थिंकिंग करने लगेंगे, आप दिन भर सोचने लगेंगे। और ये क्या है ना, भारत का इंसान जब तक कोई इंसान पूरी तरह पगला ना जाए उसको ये नहीं मानता है कि इसको कोई दिमाग की बीमारी है, मतलब जो सनक जाएगा बाल वाल नोचने लगेगा तभी उसको समझेगा कि पगला गया। बट ये ज्यादा है, अब जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, गांव में झगड़ा होगा। अब क्या है ना कि यंग एज में माइंडसेट, बच्चे 2 दिन डिस्टर्ब रहेंगे, हमको बताया है, रुक बताते हैं, वर्दी लग जाने दे फिर बताते हैं तुमको, वो दिमाग में घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है। और आपको बताने की जरूरत नहीं है, इसमें हर बेंच पे 1 से 2 ऐसे बच्चे होंगे जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, चाहे वो लड़का है या लड़की है। हमसे मत छुपाओ बाबू, तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो उसके ट्रैफिक पुलिस रहे हैं हम, तो हमें ये चीज भली भांति पता है और हम आपकी तकलीफ को समझते हैं। आप पूरे दिन खत्म होने के बाद ऐसे बच्चे रात में रियलाइज करते हैं कि हमने आज पूरा दिन बर्बाद कर दिया, और ऐसा होता है बाबू। ये हर बेंच पे ऐसे बच्चे मिलेंगे इससे लड़ रहे हैं, हालांकि इसमें गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए क्योंकि उसके पास पूरी भारी भरकम मशीनरी है, पूरा सिस्टम है, हम लोग तो बस जागरूक कर सकते हैं आप। तो ऐसी चीजों में थिंकिंग ज्यादा आती है, तो थिंकिंग को रोकिए। आइडियाज दुनिया में हर लोगों के पास 10 आइडिया है, यहाँ हजारों लोग बैठे हैं सबके पास एक एक आइडिया है। आइडिया की वैल्यू नहीं है आज के टाइम पे, आज के टाइम वैल्यू है एग्जीक्यूशन की, आप उस आइडिया को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं। सबको पता है कि किस तरह से रिजल्ट होता है, आइडिया सबके पास है, स्ट्रेटजी सबके पास, रिजल्ट किसका हुआ जो उसे एग्जीक्यूट किया। आपको पता है प्लानिंग बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं, पढ़ाई चालू करो, यहां पर प्लानिंग बनाओ कि आपको टाइम कैसे बर्बाद करना है। लेकिन तुम लोग टाइम कैसे टाइमिंग क्या बनाते हो, पढ़ना कैसे है? अगर मछली ये टाइम टेबल बनाए कि उसे तैरना कैसे है तब तो हो गया मछली का कल्याण। आप पढ़ने आए हो बाबू, आपका दिन रात यही काम होना चाहिए कि पढ़ाई कर रहे हैं। आपके पास टाइमिंग इस बात की टाइम टेबल होना चाहिए कि बाहर कब जाना है, फोन पे कब बात करना है, कैसे क्या करना है। आप यकीन मानिएगा, आप ये बर्बाद वाला टाइम एक बार शेड्यूल बना के देखिएगा फिर समझ में आएगा। हम लोग का भी फिक्स रहता है कि कितने बजे से कितने बजे के बीच में कोचिंग से स्टूडेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम सुनना है, उस टाइम पे कुछ भी आ रहा है हम लोग दूसरे का नहीं सुनेंगे। फिर स्टूडेंट को छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कौन सा प्रॉब्लम सुनना है उसकी अलग टाइम स्लॉट है। तो आप ये चीजों को जरूर कीजिएगा, बाकी खाली टाइम जब भी मिले तो पढ़ने पे यूटिलाइज कीजिएगा। बाकी टीचर लोग आपको पूरे बेहतर से समझाते हैं, लेकिन यंग एज में हम लोग जब पढ़ते थे ना तो एक गलती बहुत करते थे, कोई टीचर आते थे लोग ना तो 3-4 को मिलके, इंग्लिश का क्लास था, हम आपको याद है एनडीए में ना इंग्लिश जब पूछता है तो कॉमन एरर पूछता है। आप लोग एनडीए अगर आपने कोई दिया होगा सीरियस तो उसमें एक कॉमन एरर आता है, एक इतना बड़ा सेंटेंस रहता है उसको 4 टुकड़ा में बांट देता है, ए पार्ट बी पार्ट सी ऐसे करके डी, और कहता है किस पार्ट में गलती है। तो एक इंग्लिश के टीचर आए थे, उनको हम लोग ना, देखिए एक स्टूडेंट और टीचर में फर्क क्या होता है, आपको ये पता है कि आपको बस पढ़ना पता है, ये नहीं पता है कि क्या नहीं पढ़ना है। टीचर को यही पता होता है कि क्या नहीं पढ़ना है। तो आप क्या होता है ना, कई बार जो आपको अच्छा लगता है ना आप उसी को पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं। विद्यार्थी अमूमन किस किताब को खरीदता है, वो दिमाग में बैठाया रहता है कि उसको कोई टॉपिक सब कुछ ज्योग्राफी का किताब खरीदने के, उसने उसको पता है कि मंगल ग्रह के बारे में कुछ पता है सपोज, तो उसको देखेगा किताब में कि वो बतिया उसमें लिखा है कि नहीं। अगर वही बतिया उसमें लिख दिया किताब बहुत बढ़िया है, और 2-4 को नया नया बात दिख दिया किताब बहुत बढ़िया है। आप ऐसे कैसे करते हैं? अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है, समझ आ गया, बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। तो अब तुम लोग हमेशा उल्टे सोचता है
है, अब ब्रश करेगा 1.5 GB डाटा खत्म करेगा। तो और क्या कर रहा है आजकल का युवा, पूरा पूरा परेशान है सब इसी सब चीजों में। तो कहने का सेंस है कि जो भी कोई चीज पढ़ाया जा रहा है तो आप उसको आत्मसार कीजिए, उसे समझिए ध्यान से। ये मत सोचिए कि आप क्या जानते हैं या आपको किस में अच्छा लग रहा है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं वो इस वजह से फेल होते हैं, जिनको वो जो उनको इंटरेस्टिंग लगता है ना उसी को पढ़ते जाते हैं, पढ़ते एग्जाम से कोई मतलब नहीं। दूसरा एक और गलती क्या करते हैं, खास करके ये पीसीएस और यूपीएससी वाले बच्चे, कभी एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो ट्रैक से अलग होता है, हमेशा उस क्वेश्चन का रिपीटेशन नहीं रहता है, कभी 2-4 साल में एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछ देगा, लेकिन उसके पीछे वो हाथ धो के पड़ जाएगा और बाप रे बाप ये पूछा था। तो एक अच्छा खासा समय क्या करता है, उधर की ओर लॉस हो जाता है। तो मेजॉरिटी देखिएगा कि कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको बनाना होता है। दूसरा, आपको इंटरेस्ट आ रहा है इससे मतलब नहीं है, एग्जाम लाइक क्या है वो अच्छा, आपको कौन पढ़ाया इससे ज्यादा मायने रखता है, क्या पढ़ाया गया। लेकिन ये आप अपने ग्रुप में देखिएगा, ये माइंडसेट आपको मिलेगा और मेजॉरिटी में मिलेगा, लेकिन यही आप देखिएगा इंग्लिश मीडियम में नहीं मिलेगा। उनको मतलब होता है कि हमको टू द पॉइंट पढ़ाइए और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाइए। और हिंदी मीडियम में क्या होता है, अच्छा लगना चाहिए, आह मजा आ रहा है पढ़ने में, आह हिटलर का कहानी चल रहा, आह हिटलर की बुआ कहाँ की थी, वाह वाह बहुत बढ़िया यहाँ पे। और यही होता है यहाँ पे, टाइम खींचते खींचते यहाँ पे चल जाता है, ऐसा ऐसा बात बताएगा अशोक के बारे में, ऐसा ऐसा बताएगा जिसे अशोक निकल के बोलेगा यार ये तो हमने कभी किया ही नहीं, कलिंग की लड़ाई में ऐसा ऐसा बात बताएगा, और ये मजा आता है। और यही खराब करता है रिजल्ट को, कि आप डाइवर्टेड मत होइए यहाँ जो पढ़ाई से। दूसरा, एक और बच्चों के अंदर एक नया ग्रुप निकला है, ग्रुप स्टडी। वाह बाबू, रथ में घोड़ा बांधा जाता है गधा नहीं, ग्रुप स्टडी करेगा लो। अरे ग्रुप स्टडी में डेडिकेशन होना चाहिए, और ग्रुप स्टडी में अमूमन आप लोग ग्रुप बनाते हैं एक माइंडसेट का, एक ही मेंटेलिटी के बच्चे रहते हैं। जब एक ही मेंटेलिटी के हो तो फिर ग्रुप मतलब क्या है, ग्रुप मतलब क्या है, ग्रुप में होनी चाहिए मेंटेलिटी अलग। किसी का ज्योग्राफी अच्छा, किसी का हिस्ट्री अच्छा, किसी की पॉलिटी अच्छी, किसी की इकोनॉमिक्स अच्छी, किसी का डिसिप्लिन अच्छा। कोई है ऐसा जो तनिको किसी का फोन आ गया टोक देगा, ग्रुप में देखिएगा ना कोई एकदम सीधा साधा होता है एकदम, उसके सामने किसी का फोन आ जाएगा लाल पीला हरा ना तो कहते जो भी यहाँ पे, और गलती से वो फोन उठा लिया तो भड़काइयो देता था, नहीं जम जाएगा। हम लोग के बीच में अगर किसी का फोन आ गया, कई को हम भड़काए हैं, फोन आ गया तो कहते अभी दूसरे का फोन आया था, दूसरे का है, ए भाई तुम्हारा बार बार कई को जगह से फोन आता है, उन्हें सुन ले लो, जा बवाल हो गया लड़ते रहो, नहीं समझ आ गया। इतना काफी आग लगाने के लिए। तो ऐसे ग्रुप में अगर आप 4-5 बच्चे पढ़ते भी हो तो एक मेंटेलिटी के अगर बच्चे एक ग्रुप में है ना तो डिरेल्ड ज्यादा हो जाता है। एक ही मेंटेलिटी के एक को बत्ती आने लगी, आई फिल्म आया देखा है तुम, हाँ हाँ डाउनलोड करा के देख लिए है, ले एक ही मेंटेलिटी का था चल दिया। और इस यंग एज में ना डाइवर्जन थोड़ा ज्यादा होता है। तो ग्रुप अगर आप अकेले पढ़ लेते हैं तो बेस्ट है, नहीं तो अगर पढ़ते हैं तो उसमें एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो डिसिप्लिन संभाले, एक सबका अलग अलग होना चाहिए। जैसे आप ही लोग ग्रुप बन, जब जॉब आप ही लोग को सोचे ना, मिलिट्री में कहीं कोई ग्रुप जाता है हमला करने तो क्या सब राइफलें लेके जाएगा, सबके पास अलग अलग हथियार रहता है, कब क्या जरूरत पड़ेगा कब चला दिया वहां पे। तो आप लोग अमूमन देखिए ग्रुप बनाता कैसा है, सेम मेंटेलिटी वाला, कोई काम का है तो पहली बात कि एक तो छोटा ग्रुप रखना 3-4 लोगों का, दूसरा डिसिप्लिन में देखना कितना परसेंट टाइम यूटिलाइज हुआ। जैसे 1 घंटा आप ग्रुप में बैठे तो फिक्स है कि 1 घंटा तो पढ़ेंगे नहीं, 60 मिनट अगर बैठते हैं उस ग्रुप में जितने देर बैठे उसका 80-90% चर्चा पढ़ाई पे हुई है तो ही तो ठीक है। कोई भी पेपर टेस्ट देती थी, हम मॉक टेस्ट देते हैं तो मॉक टेस्ट देती थी तो हमेशा मेरे मार्क्स करीब 90-110-120 इससे ऊपर मेरे कभी मार्क्स नहीं जाते थे। तो मुझे हमेशा ये डर था कि यार प्रीलिम्स में कहीं मेरा कुछ, क्योंकि कट ऑफ भी इसी कुछ रेंज में जाता है तो हमेशा लगता था कि यार कुछ गड़बड़ यहाँ ना हो जाए। लेकिन जब मैंने आंसर राइटिंग की और मेंस एग्जाम के बारे में जाना तब मुझे लगा कि आंसर राइटिंग एक ऐसी चीज़ है, मेंस एक ऐसा फेज है सिविल सर्विस एग्जाम का जहाँ पे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं।